मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कक्षा 10 एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ साथ उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठापरक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की हैं। समारोह के अंतर्गत प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर व अन्य युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के नगर प्रमुख अशोक तिवारी, संस्था के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, महाराजा अग्रसेन जयंती के तेल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया। सभा का संचालन संस्था के समाज कल्याण मंत्री मनोज सभा का संचालन संस्था के समाज कल्याण मंत्री मनीष लोहिया ने किया। मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, कार्यक्रम सलाहकार अनिल जाजोदिया, सुभाष चंद्र बांगड़ा, जगदीश झुंझुनवाला ने अपने उद्बोधन में बच्चों का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन किया। सम्मान समारोह के अंतर्गत 54 प्रतिभाशाली युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी अंगवस्त्रम, 50 ग्राम चांदी का सिक्का, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेमदेव अग्रवाल ने किया। पराक्रमी महाराजा अग्रसेन जी की आज जयंती है। हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, परंतु महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके वैश्य धर्म को अपनापन किया और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग समाज के प्रतिभावान सभी बच्चों को जो है सम्मानित किया। कितने बच्चों को किया गया? 55 बच्चों को सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को ये संदेश है कि वो अपने भविष्य की उज्ज्वल कामना की करते हैं और बच्चे आगे बढ़ें और जहाँ भी रहें खूब अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ें।